बीजेपी वाले दो पैसे में है, बताओ मैं क्या करूं। ये बीजेपी का शासन जो है ना, जो गुजरे के लिए तो बहुत खराब है। इन बीजेपी वालों ने मेरा खून पी कर रख रखा। वर्दीधारियों पर राजनीतिक दलों का, या यूं कहें कि सत्ताधारी दल का, किस तरह का दबाव बना रहता होगा, इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से सामने आया है। यहां एक वन दरोगा ने बीजेपी के दो विधायकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। 35 वर्षों से वन विभाग में नौकरी कर रहे मवाना निवासी अजीत बढ़ाना फिलहाल बुलंदशहर वन विभाग में तैनात थे। आरोप है कि भाजपा के दो विधायक अजीत बढ़ाना को भाजपा के समर्पित होने का दबाव बनाकर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे। आरोप है कि गुर्जर समाज के वोटरों का भाजपा को समर्थन दिलाने और ऐसा नहीं करने पर सत्ताधारी विधायकों द्वारा वन दरोगा अजीत को डराया और धमकाया भी गया था। जानकारी मिली कि मवाना के गाँव करीमपुर में समाजवादी पार्टी की पंचायत चल रही थी, उसी दौरान वर्दी पहने वन दरोगा वहां पहुंचे और पंचायत में ही अपनी वर्दी उतारकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अजीत बढ़ाना ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि ये सरकार गरीब और नौकर पेशी लोगों पर मानसिक दबाव बनाती है और उनका उत्पीड़न करती है, जिस कारण उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। इस समाज के लिए त्याग पत्र दे रहा हूँ। इन बीजेपी वालों ने मेरा खून पी कर रख रखा। कल अशोक कटारे जी का टेलीफोन आया, बढ़ाना जी कहाँ हो? मगा जी ड्यूटी में हूँ। वोट किसे कर रहे हो? मगा जी थारे विधायक ने गाली दे रहे, हमें भी देगा, विरादी भी देगा। जब गाली देगा तो क्या करे? मैं गाली गाली भी सुनेंगे उसके, ऐसे वोट भी देंगे। बताओ कहाँ की बात है, अच्छी बात है ये? क्यों जी, फिर कभी संगीत सोम के चेले कराए टेलीफोन? रोज आते क्यों नहीं? कभी विनेश खुटी के चेले कराए? अब नाम लू तो अच्छे नहीं रहे, तू भी हमारे समाज के आदमी है। तो भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि मैं अपने त्याग पत्र दे रहा हूँ। योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, जो करूँ सब करूँ। योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, मैंने त्याग पत्र जो है अपने अपने अधिकारी को भेज दिया है। ये बीजेपी का शासन जो है ना, जो गुजरों के लिए तो बहुत खराब है, गुजरों के लिए तो बहुत खराब है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोगों से निवेदन है कि मैं अभी जो है थोड़ी देर बाद भाषण दूंगा, दोबारा आऊंगा। फिर अभी मैं पहले ये ड्रेस जो है ना इन बीजेपी वालों को दे दूं, और ये ड्रेस से ना पहन के देखियो भाई, नौकरी मिलनी मुश्किल है। ये बीजेपी वाले नौकरी छीन रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं? क्यों जी, बीजेपी वाले बताओ। अशोक कटारे जी का टेलीफोन आया, मेरे समाज के सम्मानित मंत्री है, नौकरी देने से तो गए, नौकरी ले रहे हैं और उल्टी। बताओ किसी एक बालक को भी नौकरी दी हो, मिल में भी लगाया हो कोई? हाँ किसका? हाँ संदीप प्रधान ने दिया था टेलीफोन मिलाकर, वो बीजेपी का महामंत्री जी, बीजेपी के जो महामंत्री हैं, उन्होंने टेलीफोन मिलाकर दिया। मैम, वन विभाग के एक दरोगा अजीत बढ़ाना है, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने इस्तीफे को देकर के एक राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ पूरा विषय है वीडियो वायरल का, और इस्तीफे का क्या विषय है? आपको क्या अभी तक उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है? ये कल शाम को ही हमको एक वीडियो मिला था, जिसमें अजीत बढ़ाना वन दरोगा जो यहाँ बुलंदशहर रेंज में तैनात है, वो राजनीतिक टिप्पणी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है उनका। वीडियो प्राप्त होने के उपरांत उनको 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण आने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इस्तीफा, उनका स्वैच्छिक इस्तीफा रेंज अफसर के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है, जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसकी और ये स्वैच्छिक इस्तीफे की जांच करेंगे, उसके उपरांत की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में बुलंदशहर DFO विनीता सिंह का कहना है कि बुलंदशहर वन रेंज में तैनात एक दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करते दिखाया जा रहा है। विनीता सिंह ने कहा कि रेंजर के व्हाट्सएप पर इस्तीफा भेजा गया था। इस वीडियो को लेकर अधिकारियों ने अजीत बढ़ाना से स्पष्टीकरण मांगा है और उच्च अधिकारियों को इस मामले में जानकारी भी दे दी गई है।
उच्चाधिकारियों के जिस तरह के निर्देश प्राप्त होंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह के आरोप वन दरोगा अजीत बढ़ाना ने बुलंदशहर के सत्ताधारी दो विधायकों पर लगाए हैं, यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो इस मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, वन दरोगा के इस फैसले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। टाइम 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार, क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। टाइम 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।